हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम हमारी 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है मिजविल द ऑटर और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि ऑथर को कितना बुरा लगता है और कितना अकेलापन महसूस होता है अपने डॉग के मर जाने से, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो एक ऑटर को अपना पेट बनाएंगे, मतलब उस बिलाव को अपना पेट बनाएंगे। साथ ही हमने देखा कि कैसे वो अपने मेल के लिए परेशान होते हैं और फिर 5 दिन बाद उनको मेल मिल जाता है। फिर उनको अपने दोस्त का नोट मिलता है और एक सैक मिलता है, मतलब बोरा मिलता है जिसमें ऑटर होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑथर को कैसा लगता है उस ऑटर को पाकर, और वो कैसे उसके साथ रहता है और क्या करता है और कौन कौन सी नई चीजें सीखता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑथर को वो नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है हेयर इज योर ऑटर, कि ये रहा तुम्हारा ऑटर, और वो सैक मिलता है, मतलब वो बोरा मिलता है। तो उसे देखते ही ऑथर का क्या रिएक्शन होता है? ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो सैक खोला तो मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई। अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही वो ऑटर सैक के बाहर आया तो वो बिल्कुल छोटा सा था। वो एक छोटा सा ड्रैगन जैसा प्राणी था जो कि सर से लेकर पैर तक कीचड़ से भरा हुआ था। कीचड़ के नीचे चॉकलेट ब्राउन मोल जैसा फर दिखाई दे रहा था, तो वो कीचड़ को हटाने के लिए ऑथर को कई दिन लग गए। ऑटर की पूरी बॉडी पर मड लगा हुआ था, मतलब कीचड़ लगा हुआ था। तो वो अपनी बॉडी को जोर से शेक करता है, हिलाता है, और मड उसकी बॉडी पर से झड़ जाता है। पर अगले महीने ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑथर ने उसको अच्छे से साफ कर दिया था और जो ऑटर था वो रियल कलर, मतलब उसका जो असली का रंग था वो उसमें दिख रहा था। मतलब जो चॉकलेट ब्राउन कलर था वो ऐसा सच में नहीं था। वो ऐसा इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर मड लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था। अगले मंथ ऑथर उस ऑटर का नाम मिजविल रखते हैं, और खास बात तो ये है कि वो कहते हैं कि साइंस में इस क्रिएचर के बारे में किसी को पता नहीं था। ये तो अननोन क्रिएचर था, मतलब एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में कोई ना जानता हो। और वो कहते हैं कि ये मैक्सवेल्स ऑटर है, मतलब ये मैक्सवेल का ऑथर का ऑटर है। वो बताते हैं कि पहले 24 घंटे तो इसे, मतलब उस ऑटर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि तब वो ऑथर के साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं कर रहा था, वो ऑथर की बात नहीं मान रहा था। पर दूसरे दिन वो ऑटर ऑथर के बेड के पास जाकर लेट जाता है बहुत देर के लिए, और वो तब तक सोया रहता है जब तक जो सर्वेंट होते हैं वो उनके लिए, मतलब ऑथर के लिए चाय लेकर आते हैं। अगले दिन वो ऑटर अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास की चीजों में काफी इंटरेस्ट दिखाता है, अपनी रुचि दिखाता है, जबकि पहले दिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था। तो जो ऑथर होते हैं वो उस ऑटर की बॉडी के हिसाब से एक बेल्ट लेकर आते हैं और उसे पहना देते हैं। फिर ऑथर मिजविल को बाथरूम में ले जाते हैं, जहां करीब आधे घंटे तक काफी एंजॉय करता है पानी में, काफी शरारती बिहेव करता है, और वो पानी को इधर उधर छिड़क रहा था और उसके साथ खेल रहा था। और वो जो बाथरूम था
वो पानी की छींटों से भर गया था और सब दिखा रहा था कि वो ऑटर कैसा है, मतलब कितना शरारती है। अब ऑथर सोचते हैं कि जो पानी का बोल है मैं उसे उल्टा करके रख दूं, वरना ऑटर दिन रात उसी में खेलता रहेगा। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि 2 दिन बाद जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि जो मिजविल था वो अपने बेडरूम से भागने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखा कि मिजविल था, उसका टेल वो डिसअपियर हो रहा था, मतलब गायब हो रहा था। और वो कैसा हो रहा था, मतलब वो कॉरिडोर के बाहर निकला हुआ था और बाथरूम में जा रहा था। तो ऑथर देख रहे हैं और बहुत हैरान हो गए देख के कि मिजविल को आखिर ये करने क्या वाला था। पता है उसने क्या किया? वो बाथटब पे चढ़कर अपने पैरों से टैप को ओपन कर रहा था, ऑन कर रहा था, मतलब उसने नल चला दिया और नल में से पानी बहने लगा। फिर ऑथर को उसे बांधना पड़ा और उन्होंने प्यार से उस मिजविल को पास बुलाया और वो मिजविल उनके पास आ गया। मिजविल मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ज्यादातर टाइम खेलने में बिताया करता था और उसका फेवरेट प्लेइंग मटेरियल, मतलब मनपसंद खिलौना था, रबर बॉल। वो उस बॉल को अपने पैरों से फेंका करता था और हैरानी की बात तो ये थी कि वो उस बॉल को बहुत तेजी से फेंका करता था और वो बॉल काफी दूर तक जाता था जैसे कि कोई असली आदमी खेल रहा हो। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उस मिजविल का सबसे ज्यादा फेवरेट खिलौना मार्बल, मतलब कंचे हैं, और वो मिजविल उन कंचों के अपने पेट पर रखता था और रोल करता था, पर वो कंचे आज तक जमीन पर नहीं गिरे थे। मतलब वो ऐसे खेलता था, अपने पेट पर रख के उसे रोल करता था, लेकिन फिर भी वो कंचे कभी उसके पेट के ऊपर से नीचे नहीं गिरे थे। डिफिकल्ट वर्ड, क्रिसन, नेम, मतलब नाम रखना, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, शत्रुतापूर्ण, एपथी, एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिसमें मन ना हो, रुचि ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑटर ऑथर का दोस्त बन जाता है और ऑथर उस ऑटर का नाम मिजविल रखते हैं। मिजविल बहुत शरारती होता है और उसे पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ये चैप्टर मिजविल द ऑटर जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है जब ऑथर मिजविल को इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं जिससे वो मिजविल को अपने साथ ले जा सके फ्लाइट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी बिना किसी रोक टोक के साथ। थैंक यू।